नमस्ते, मैं प्रीति। एएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शादी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण फैसला है और इसलिए लोग बहुत सोच समझकर और संभाल कर ही शादी का फैसला लेते हैं। वही शादी और रिलेशनशिप्स को लेकर समय के साथ साथ लोगों की प्राथमिकता भी बदली है। फिल्मी दुनिया के लोग भी जहां बॉलीवुड की फिल्मों में शादी ब्याह और रिलेशनशिप से जुड़ी बातें करते हैं, शादी से जुड़े विषय की बात हो तो बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसी हस्तियां भी है जिन्होंने शादी नहीं की। एक इंटरव्यू में बोलते हुए करण जौहर ने कहा कि उन्हें जिंदगी में जिस बात का मलाल सबसे अधिक है वह उनकी पर्सनल लाइफ से ही जुड़ा था। उन्होंने कहा कि जीवन साथी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ की कमी को पूरा करने के लिए अपने काम को अधिक समय दे दिया। करण जौहर ने बताया, शादी मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शादी करके खुश नहीं है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि शादी न मेरी तकदीर और न ही मेरे सोच विचार में है। मेरा रिश्ता मेरी कंपनी के साथ है और मेरी हर फिल्म मेरा बच्चा है। शायद इसलिए मैं ज्यादा खुश हूँ और मुझे यही दुआ मिली है कि तुम शादी न करो और बस खुश रहो। करण जौहर ने बताया कि मैंने सही समय पर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा फैसला नहीं लिया और मुझे लगता है कि मैंने लाइफ पार्टनर की तलाश समय पर नहीं शुरू की। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि रोमांस की कमी हमेशा जीवन में रहेगी और अब मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर करण जौहर सिंगल फादर है। उनके दो बच्चे हैं यश और रूही, जिनका जन्म सरोगसी से हुआ था। करण अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करते हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने पिता बनने के अपने अनुभव पर खुलकर बात भी की थी। करण ने कहा कि जब उन्होंने बिना शादी के पिता बनने का फैसला लिया तो ये आसान नहीं था। जब वह 40 साल के हुए तो उनके अंदर जन्मदिन के अगले दिन ही पिता बनने की तीव्र इच्छा जागी, लेकिन एक सच्चाई ये भी थी कि वो शादी नहीं करना चाहते थे। जब करण ने सरोगसी के जरिए बच्चों की प्लानिंग की तो उन्होंने पहले खुद को इमोशनली इसके लिए तैयार किया कि क्या वो बिना माँ के बच्चों की परवरिश कर पाएंगे। करण के मुताबिक बच्चों की प्लानिंग से पहले थेरेपी सेशंस और साइकोलॉजी डिस्कशंस भी हुए, जिनमें ये समझा कि सिंगल फादर होने के क्या मायने होते हैं। आपको बता दें कि करण के बच्चों यश और रूही का जन्म 2017 में हुआ था। दोनों अब 6 साल के हो चुके हैं और करण अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ अपने एक से बढ़कर एक वीडियो शेयर करते हैं। करण ने आगे कहा कि सरोगसी से जन्मे उनके बच्चों का जन्म बेहद मुश्किल था क्योंकि वो प्री मैच्योर पैदा हुए थे। करण ने कहा, जब मैंने पहली बार अपनी बेटी रूही को गले से लगाया तो आंखें बंद करते ही आंसुओं की धार बहने लगी। ये बहुत इमोशनल लम्हा था। करण जौहर की तरह ही इंडस्ट्री में और कई बड़े नाम हैं जिन्होंने शादी करने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। एकता कपूर, अमीषा पटेल, तनिषा मुखर्जी, शमिता शेट्टी से लेकर तब्बू और दिव्या दत्ता जैसे टैलेंटेड एक्ट्रेस ने भी शादी नहीं की है और वो अपने फैसले से काफी खुश है। वहीं अपने शाम के लिए मशहूर अभिनेता अक्षय खन्ना, एक्टर राहुल बोस हो या सुपरस्टार सलमान खान, ये सभी शादी ना करने के अपने अपने कारण गिनाते हैं।